अरे आंटी जी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी, आइए ना। आंटी जी, क्या लेंगी आप? चाय कॉफी बताइए ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे कुछ बात करने थे। जी बताइए। बेटा वो कल 1 तारीख है, नया महीना स्टार्ट हो रहा है तो। अच्छा, अब मकान के किराए के बारे में बात करने आई है। आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभिषेक महीने की 1 तारीख को ही ना आपके बेटे तुषार के अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं, वो तो कभी लेट नहीं करते किराया देने में। नहीं नहीं बेटा, मुझे किराए के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ और बात करनी थी आपसे। हाँ जी आंटी, बताइए ना, क्या बात करनी है आपको? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। रुकिए आंटी, कुछ बात तो जरूर है, आप प्लीज बताइए ना मुझे। बेटा बस मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जी जरूर करूंगी, आप बताइए ना, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? बेटा मुझे ना काम की जरूरत है, तुम मुझे काम दोगी? काम की जरूरत, वो भी मुझसे? आंटी मैं आपकी बात को समझी नहीं। बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, बदले में मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और तुम मुझे पैसे दे देना। आंटी पैसों की जरूरत, वो भी आपको? हम तो खुद आपके मकान में किराएदार हैं, 3 मंजिल का मकान है आपका, और अंकल तो एक रिटायर्ड ऑफिसर है, पेंशन भी तो आती होगी उनकी। आपकी काम वाली बात ना मुझे कुछ समझ नहीं आई। बेटा क्या बताऊं मैं आपको, अंकल की पेंशन और जो ये किराया आता है, ये सपना तुषार के हाथ में रहता है। वो यही कहता है कि 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है ना, तो पैसों का क्या करोगे? वो कुछ देता नहीं है बेटा मुझे। बेटा पहले वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। पहले घर का किराया, अंकल की पेंशन, वो सब हम दोनों के हाथों में रहता था, पर अब सब कुछ तुषार और उसकी वाइफ के हाथ में रहता है। बेटा हम तो अपने ही घर में किराएदार बन के रह गए हैं। आंटी तुषार भैया और भाभी आपका सही से ख्याल नहीं रखते क्या? आपको खाना ही नहीं देते क्या टाइम से? बेटा अगर 3 टाइम का खाना मिलने से इच्छा पूरी होना होता है तो वो हमें मिलता है, उससे हमारा सिर्फ पेट भरता है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तुम्हारे अंकल को शुगर है और मुझे भी थायराइड है, हम दोनों को टैबलेट्स चाहिए होती हैं, हमारी मेडिसिन हमें टाइम पे नहीं मिल पाती हैं, कभी तुम्हारे अंकल का कुछ खाने का दिल करता है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है, हम क्या करें? मुझे हमेशा ही अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं कि बेटा मुझे ये चाहिए, बेटा मुझे वो चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मांगने पर वो देता है, मांगने पर वो यही बोलता है कि माँ थोड़ा हाथ टाइट करके चलो, कितना खर्चा करती हो। अरे अब दवाई तो चाहिए ही होती है ना बेटा, बिना दवाई के कैसे काम चलेगा? बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनकी हर फरमाइश को सराखों पर रखते हैं, उनकी हर फरमाइश पूरी करते हैं, पर जब माँ बाप को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों को वो फिजूल खर्ची लगती है। बेटा वो आपके अंकल बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो बाहर जाके काम कर सके। 2 दिन से उन्होंने जिद कर रखी है कि उनको गुलाब जामुन खाने हैं, बस वही मैंने अपने बेटे को बोला कि तेरे पापा का गुलाब जामुन खाने का मन है, तो वही उसको फजूल खर्चा लगा, कह रहा अगर पापा गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो क्या मम्मी वो मर जाएंगे? अरे माँ बाप बच्चे की हर एक जिद पूरी करते हैं, क्या बच्चों को कोई फर्ज नहीं है कि जब माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिना कुछ कहे उनको दे दे? आजकल के बच्चे अपने शौक पूरे करने के लिए हजारों फिजूल खर्चे कर देंगे और वो उन्हें फिजूल नहीं लगता, और माँ बाप का एक खर्चा, एक खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो उन्हें फिजूल खर्चा लगता है। बेटा माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी रात जागते हुए भी निकाल देते हैं, पर जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो ऐसा जवाब दे देते हैं कि जैसे माँ बाप ने कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। अरे आपके अंकल ने और मैंने पूरी रात तुषार को अपने सीने से लगा के सुलाया, अरे वो कभी कहीं टॉयलेट कर देता था, कभी कहीं कर देता था, और कभी आपके अंकल संभालते थे, कभी मैं संभालती थी उससे, हमने कभी भी उसको गीले बिस्तरे पर नहीं सुलाया, और आज जब हमें उसकी ज़रूरत है तो यही कहता है कि आपने किया ही क्या, और कुछ खाने को मांग ले तो ये फिजूल खर्ची मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ। तो बेटा फिर मैंने यही सोचा कि
कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ना मैं छोटा मोटा काम देख लेती हूँ। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि कहीं मैं नौकरी कर लूँ, और फिर अब मेरी नौकरी करने की उम्र भी नहीं रह गई है। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं आपसे बात करती हूँ, और जब मेरे बहू बेटा ऑफिस गए होंगे तो तब मैं आपके यहाँ पे काम कर लिया करूँगी चोरी चोरी। और अगर बेटा मैंने उनको काम बताकर भी किया ना, तो फिर वो यही बात बोलेंगे कि माँ सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, बस उनको यही टेंशन रहेगी। बस इसीलिए बेटा मैंने यही सोचा कि मैं चुपचाप काम कर लूँगी, कम से कम आपके अंकल को मैं दुखी तो नहीं होने दूँगी ना। और बेटा यही सोच के मैं आपके पास आई थी कि मैं आपको बोलूँगी, ताकि आपके यहाँ काम करके आपके अंकल की और मेरी दवाई का खर्चा और जो हमारे दोनों के छोटे मोटे शौक हैं वो मैं पूरे कर लूँ। हाँ जी, आपकी बात एकदम सही है, और मैं अभी मार्केट से ना आपको मिठाई मंगवा के दे दूंगी और कुछ पैसे भी दे दूंगी। आंटी जी, पैसों के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पैसे दूंगी ना आप उसी में अपनी मन की इच्छा पूरी कर लेना। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ, मैं अपनी मेहनत से ही पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं तुमसे कर्जा नहीं लेना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो या मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो तो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझ के बोला था। रुकिए आंटी, आप कल से ना घर आ जाना और घर के कामों में मेरा हाथ बटा देना, मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर आंटी ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रहेगी। थैंक यू सो मच बेटा, आज से तुमने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। मम्मी जी, आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कैसी बात कर रही है बेटा तू आज बावलों वाली, पागल हो गई है क्या? तेरी वजह से मुझे दिक्कत क्यों होगी कुछ? हाँ मम्मी जी, मैं बावली हो गई हूँ, आप बताओ ना, आपको भी दिक्कत तो नहीं हुई ना मेरी वजह से? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसके पास तेरी जैसी बहू के रूप में बेटी हो उसको कैसे कभी कोई दिक्कत हो सकती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मम्मी जी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आएगी ना मेरी वजह से, आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो सबसे पहले मेरा कॉल तेरे पास ही आएगा। जी।